अगर मैं कहूं कि कोई आपके फिंगरप्रिंट यूज़ कर रहा है आपके खाते से पैसे निकालने के लिए, आपके नाम पे लोन लेने के लिए या फेक बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, शायद आपको मेरी बात पे यकीन ना हो। इसीलिए मैं ये वीडियो यहाँ पे सारे सबूतों के साथ और सारे प्रोसेस जो स्कैमर्स और हैकर्स यूज़ करते हैं आपके अगेंस्ट, वो सब इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल सुधीर पे, जहाँ हम लोग पिछले कुछ सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं हर किसी को साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में जागरूक करने की। खैर, आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा आधार कार्ड के बारे में। आधार कार्ड तो आप में से हर कोई जानता है, लगभग 130 करोड़ इंडियंस के पास आधार कार्ड है। और आधार कार्ड को लेकर 2018-19 में बहुत चर्चा हुई इंटरनेट की दुनिया में कि क्या आधार कार्ड सेफ़ है, आधार कार्ड के पास हमारे बायोमेट्रिक डेमोग्राफिक डेटा जैसे आपका एड्रेस, पता, आपका रेटिना स्कैन, आपके बायोमेट्रिक डेटा, आपके फिंगरप्रिंट, सब कुछ आधार कार्ड की वेबसाइट और डेटाबेस में सेव है, ये किस हद तक सिक्योर है, इसको लेके क्वेश्चन बहुत सारे एकदम रेज होने स्टार्ट हुए इंटरनेट पे, न्यूज़पेपर्स पे। तो आधार कार्ड की जो मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनने अपनी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हो, एक स्टेटमेंट पास करी और उस स्टेटमेंट में उन्होंने एक लाइन लिखी कि आपके ATM कार्ड की डिटेल होने से किसी के पास जिस तरीके से कोई पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता, उसी तरीके से आधार कार्ड का नंबर होने से कोई भी आपके खाते से पैसे नहीं निकाल सकता। ये स्टेटमेंट शायद 2017 के हिसाब से तो सही हो सकती थी, लेकिन 2023 के हिसाब से सही नहीं है। अगर मैं बात करूँ ATM कार्ड की, तो आपका अगर वीज़ा ATM कार्ड है जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है वो इनेबल्ड है, तो विदाउट OTP पेपल, गूगल पे और बहुत सारे हजारों मेथड हैं जिनका यूज़ करके मैं बिना OTP के आपके खाते को खाली उन डिटेल्स के बेसिस पे कर सकता हूँ। अब बात कर लेते हैं नंबर दो आधार कार्ड की, जिसके ऊपर आधार कार्ड ने बोला, देखो आधार कार्ड ने बोला कि फिंगरप्रिंट वगैरह सारा डेटा हमारे पास सेव है और किसी पर आपके आधार कार्ड की डिटेल है भी तो वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हालात बदल गए, आजकल ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनमें विक्टिम्स के फिंगरप्रिंट्स का यूज़ करके बैंक अकाउंट खाली करे जा रहे हैं। हाँ, मैं आपसे सही कह रहा हूँ, आपको शायद पता ही ना चले आपके नाम पे या तो कोई खाता खुल रखा हो, या फिर आपके नाम पे कोई लोन सैंक्शन हो चुका हो, या आपके पेरेंट्स की या आपकी ज़िंदगी भर की जो कमाई जिस बैंक अकाउंट में पड़ी थी वो अकाउंट में से खाली हो चुकी है। और मे भी ज़्यादातर केसेस में बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाते हैं आपको नोटिफाई करने में ये बात कि आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉ हो चुका है। ये कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, ये सारे रियल केस हैं जो आप इस वीडियो में देखोगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से स्कैमर ये डेटा कलेक्ट करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, UIDAI की वेबसाइट आज की डेट में भी हैक नहीं हुई है। हाँ, ये वेबसाइट हैक नहीं हुई है ना, इनकी तरफ से कोई डेटा ब्रीच अभी तक किसी ने भी ना तो सर्ट इनने रिपोर्ट कराया। सर्ट इन क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो इंडिया की है, उन्होंने भी ऐसा कोई ब्रीच अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं कराया। ये डेटा ब्रीच हुआ है, मान लो आप हेल्थ केयर की वेबसाइट से जहाँ पे 80 करोड़ इंडियंस का डेटा लीक हुआ, या फिर भारत सरकार की जो और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि मान लो कोई MCD ऑफिस हो गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किसी भी स्टेट के अंदर होगी, उनके पास प्रॉपर्टी पेपर्स होते हैं जहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह सारी डिटेल्स होती हैं, वहाँ से स्कैमर कलेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा गाँवों में, कस्बों में सरकार की तरफ से कुछ कर्मचारी आते हैं जो बोलते हैं कि हम आपको इस योजना का ऑफर दे रहे हैं, इसके लिए आपका आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट चाहिए, और वो ये डेटा लेके चले जाते हैं। क्योंकि गांव में रहने वाले ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में वो सरकारी कर्मचारी नहीं थे, कोई फेक NGO बन के आया जिसको डेटा कलेक्शन करना था ताकि आपके नाम पर फर्जी अकाउंट खोले जा सकें। इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और ये अब आपकी जिम्मेदारी कि आप इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाएं ताकि हम सभी स्कैमर्स को स्कैम करने से रोक पाएं, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे भाई बहन दोस्त हैं, उन सभी को इन फ्रॉड से दूर रख सकें। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो सामने आपको दो सर्कल के अंदर एक तो सबसे पहले URL नज़र आ रहा होगा वेबसाइट का जहाँ से मैंने ये आर्टिकल कॉपी कराया, ये नाम आ रहा होगा आपको, DH लिखा हुआ दिख रहा होगा, और ये रही हेडलाइन, क्या कह रही है, ये राइज इन आधार बायोमेट्रिक फ्रॉड कीप कॉप्स ऑन देयर टॉस। लगातार बढ़ रहे हैं जो हमारे यहाँ आधार कार्ड के जो बायोमेट्रिक फ्रॉड हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि लगातार इसके लिए भाग दौड़ हो रही है। और भाई पुलिस की सीरियसली इसमें हालत टाइट है कि इन क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि आप इस वीडियो में देखोगे कि इनको पकड़ना लिटरली मुश्किल और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। कैसे है वो देखो, अक्टूबर में बैंगलोर नॉर्थ ईस्ट साइबर इकोनॉमिक एंड नारकोटिक्स क्राइम जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार करा, कहाँ से, बिहार, हु डाउनलोडेड पब्लिकली अवेलेबल रजिस्ट्रेशन
पेपर, रजिस्ट्रेशन पेपर जिनको नहीं पता, जो प्रॉपर्टी पेपर्स होते हैं, ठीक है, एंड विद आधार नंबर, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी पेपर के अब हर जगह लगभग आधार कार्ड लगता है, चाहे बैंक जाओ, सिम कार्ड परचेज करना हो, कुछ भी करना हो, आधार कार्ड आपका लगता है हर जगह। तो आधार नंबर एंड थंब इम्प्रेशन, आपके अंगूठों के थंब इम्प्रेशन वहाँ मिलेंगे और फिंगरप्रिंट्स भी मिलेंगे बाकी के। फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स कावेरी पोर्टल फॉर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, कौन से पोर्टल से सर? कावेरी पोर्टल से इन्होंने वो पेपर डाउनलोड करे एंड यूज देम टू सिफोन ऑफ मनी, यानी कि पैसा लेके भागने के लिए इन टू केसेस, दो केसेस में इन्होंने। अब वो दो केसेस कौन कौन से थे वो तो आपको आगे इस वीडियो में देखी जाएगा। इसके अलावा इंडियन पीएम वॉर्न ऑफ राइजिंग आधार पेमेंट फ्रॉड, भाई भारत सरकार के पीएम को भी, जो हमारे पीएम है, प्रधानमंत्री है हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी, उनको भी इसके बारे में इन्फॉर्म करा गया। किसी जॉन नाम के हमारे कोई मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट मेंबर हैं, एमपी, उन्होंने और बताया कि भैया ये जो स्कैम है ये बहुत ज़्यादा राइज है, मतलब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इनके जो विक्टिम हैं, जो बायोमेट्रिक स्कैम के विक्टिम्स हैं, वो कौन है सर? वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कि आम गरीब लोग, जिन बेचारों को ये पता ही नहीं होता कि वो विक्टिम बन चुके हैं, और उसके बाद विक्टिम बनने के बाद जो सोसाइटी के बाकी हिस्से हैं जिनका काम है उनकी सपोर्ट करना, वो फिर उनको और क्रोध 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 के उनसे और पैसे निकलवाते हैं। बस मैं इंसॉर्ट इतना ही कह सकता हूँ, ज़्यादा मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा कहना। और उन्होंने इसके बारे में, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको एक लेटर भी लिखा और बोला कि क्या करें, वीक आस्किंग हिम टू डायरेक्ट द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड आईटी मिनिस्ट्री टू लुक इनटू द इशू, बट होपफुली, या जो उम्मीद थी वैसा हुआ नहीं, क्योंकि अभी मैं देख रहा था गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और बाकी स्टेट्स की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पे आम पब्लिक का डेटा फ्रीली अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। साइबर क्रिमिनल हैव बीन एक्सप्लोइटिंग कंट्रीज आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जिनको नहीं पता AEPS क्या होता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है कि आप अपने खाते से पैसा निकाल सकते हो, उसके लिए सिर्फ आपको अपने बैंक का नाम चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका आधार आपके खाते से लिंक है तो आप अपना थंब इम्प्रेशन देके कैश विदड्रॉ भी करा सकते हो, कैश डिपॉजिट भी करा सकते हो, बैंक लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और अपनी लोन की किस्तें भी भर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में आपके आधार कार्ड से हो जाती हैं। आप में से शायद ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि आपने थोड़ी ना सोचा था कभी स्कैम करना है आपको बैठ के ना। अब यहाँ पे देखो, ये ही पब्लिक करा इन्होंने डेटा, इस न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन है, अनलाइक अदर फिशिंग स्कैम। फिशिंग स्कैम क्या होता है, आप मेरी अलग वीडियोस में देख लेना, सर्च कर लेना फिशिंग स्कैम बाय डिजिटल सुधीर, आपको मिल जाएगी। फ्रॉड रिलेटेड टू अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ आधार बायोमेट्रिक, अनऑथराइज मतलब बिना आपकी परमिशन के आपके आधार कार्ड के बायोमेट्रिक्स को यूज़ करा। नेदर इन्वॉल्व क्लिकिंग ऑन अननोन लिंक, और ना तो इस पर कोई लिंक आपको भेजा जाता है जिस पर आप क्लिक करो, फिर हैकर आपका फ़ोन हैक कर ले, उसका एक्सेस ले ले, फिर वेरीफाई करे, और नॉर शेयरिंग वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP। इसमें हैकर या स्कैमर आपसे कभी भी OTP भी नहीं मांगता है। स्कैमर और हैकर क्या करते हैं वही मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। द विक्टिम ओनली बिकम अवेयर वेन दे रिसीव अ डेबिट मैसेज फ्रॉम देयर बैंक, और आपको ये तब पता चलेगा जब आपके खाते से पैसे कट जाएंगे, उससे पहले आपको इस बारे में पता ही नहीं चलेगा। और बहुत केसों में बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाता है अपने यूज़र को नोटिफाई करने में कि उसका बैंक अकाउंट खाली हो रहा है, समझ रहे हो। अब इस पूरे प्रोसेस में स्कैमर को क्या डिटेल चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ, या हैकर को। उसको एक तो आपके बैंक का नाम पता होना चाहिए, जो उसको पता चल जाता है जो वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करता है। नंबर दो, उसको आपका आधार नंबर चाहिए, जो उन्हें प्रॉपर्टी के पेपर या आधार डॉक्यूमेंट डाउनलोड करे वहाँ से मिल गया। नंबर तीन, बायोमेट्रिक कैप्चर ड्यूरिंग एनरोलमेंट, आपके जो बायोमेट्रिक आपने वहाँ पे जब अपना आधार कार्ड बनवाया होगा दिया होगा ना, वो डेटा उसको चाहिए। अब सारा जो यहाँ पे खेल है ना, जो दिमाग का खेल है, वो ये तीसरा सेक्शन है, बायोमेट्रिक कैप्चर, यानी कि आपका बायोमेट्रिक डेटा। अब वो कैसे मिलता है सर, वही तो दिखा रहा हूँ, आपकी नींद ना उड़ जाए तो बात रही। ऑन नवंबर 2 and 3 मोर सच केसेज वर रजिस्टर्ड, और केसेज रजिस्टर्ड करे गए कहाँ पे? सैम पुलिस स्टेशन। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने कहा, बी दयानंद ने जो कहा, उन्होंने कहा एक स्टेटमेंट में कि भैया अक्टूबर 31 तक सिटी ने लगभग 116 केस ऐसे रजिस्टर्ड करे हैं जिनमें आधार कार्ड का यूज़ हुआ है, किससे? 3 से 4 महीने के अंदर। 41 ईयर ओल्ड मैन अ कॉन्ट्रैक्टर एंड अनदर 67 ईयर ओल्ड आर रिटायरी। एक तो भाई कोई कॉन्ट्रैक्टर है होंगे 41 साल के, एक 67 साल के रिटायर पर्सन, जिन्होंने नवंबर 2 को एक कंप्लेंट फाइल करी, और दूसरे ने 38 साल जिनकी एज है, वो एक टीचर हैं, एक महिला हैं जिनका नाम यहाँ से मैंने हटा दिया है, फिल्ड अ कंप्लेंट नवंबर 3, उन्होंने नवंबर 3 को कंप्लेंट करी, और इन्होंने बताया कि इन्होंने ना तो कोई विक्टिम्स ने बताया, ना तो इन्होंने अपनी बैंक डिटेल किसी को दी, ना कोई OTP शेयर करा, ना ही सर इन्होंने किसी लिंक पे क्लिक करा, बट फिर भी
इनके बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ हो गया। इनका क्वेश्चन था ये कैसे हुआ, इसमें मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं है, अब मुझे नहीं पता इनको ये रिकवरी मिलेगी या नहीं पैसे की, क्योंकि लिटरली इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। लेकिन अब ये सिस्टम कैसे काम करता है सर, एवरीथिंग गोइंग टू डिपेंड ऑन इट। ठीक है, पर्सन लॉस्ट जो पहले पर्सन थे उन्होंने 32,700 गवाए एक्सिस बैंक से इनके गए, कब, 17 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में। वाइल जो सेकंड पर्सन जिनका आपने यहाँ नाम देखा, यानी कि 67 साल वाले जो रिटायर्ड बंदे हैं, उन्होंने 15,000 रुपये गवाए फ्रॉम कैनरा बैंक। और इसके बाद जो तीसरी मैम थी उन्होंने 15,000 रुपये गवाए, ठीक है, बिटवीन अक्टूबर 26 से नवंबर के बीच में। अब ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, ये पैसे चले गए, लेकिन ये पैसे जाते कैसे हैं। तो इस पर कुछ साइबर क्राइम के जो पुलिस के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जिन्होंने जिनका नाम मेंशन नहीं था न्यूज़ के अंदर, उन्होंने अपनी अलग अलग स्टेटमेंट्स दी। उसमें से कुछ ऐसी थी, पुलिस ऑफिशियल सेड, सस्पेक्ट वर्क आउट ऑफ स्टेट। ज़्यादातर जो सस्पेक्ट हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो अलग अलग स्टेट्स के होते हैं, ये बात सच है। दिल्ली, गुड़गांव, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, कहीं के भी हो सकते हैं। नो वन नोज, आप किसी स्टेट का नाम ऐसे नहीं ले सकते कि ये सिर्फ उसी स्टेट के, ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी हो सकते हैं। हो सकता है आपका पड़ोसी ये काम कर रहा हो, एक आपके पड़ोसी का लड़का इंजीनियरिंग बेरोजगार ये काम कर रहा हो, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस भी हो सकते हैं। ऑब्टेन विक्टिम डिटेल्स फ्रॉम लैंड रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स, चाहे वो NDMC, MCD, ऐसी जैसे दिल्ली से हूँ मैं तो मुझे MCD पता है, ऐसी दिल्ली गवर्नमेंट की एक और वेबसाइट है जहाँ पर पब्लिकली डेटा अवेलेबल है जिसको स्कैमर यूज़ करते हैं। मैंने उसकी 3 बार रिपोर्ट करी, उन्होंने बोला ठीक है, वी विल टेक इट एक्शन, यू डोंट नीड टू वरी, और ये करके मुझे मेरे मेल का रिटर्न कर दिया। टिल डेट 1 महीना हो गया, कोई रिस्पॉन्स लिया नहीं, क्योंकि नोबडी केयर अबाउट, ठीक है, सॉरी मैं ना ज़्यादा पर्सनल हो जाता हूँ और यही चीज़ मुझे भारी पड़ती है बाद में। वन ऑफ द वे द स्कैमर्स यूज टू क्लोन बायोमेट्रिक इन्वॉल्व बटर पेपर सीट। अभी बटर पेपर सीट्स का यूज़ करते हैं किस लिए, आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको क्लोन करने के लिए, डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट बनाने के लिए। अभी प्रोसेस बड़ा इनोवेटिव है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे कैसे ये करते हैं। दे प्लेस थंब इम्प्रेशन ऑन अ रजिस्ट्रेशन सीट ऑन द बटर पेपर, यानी कि जो आपके इन्होंने नेट से प्रिंट, मान लो आपके पेपर डाउनलोड करें और उस पर जो आपके फिंगरप्रिंट थे, यानी कि ये मान लो आपके अंगूठे का थंब इम्प्रेशन है, इसको उन्होंने हाई रेजोल्यूशन प्रिंटर से क्या करा, एक बटर पेपर पे प्रिंट लिया, फिर इसी को क्या करा, प्लेस अ सिलिकॉन सीट, इसको सिलिकॉन सीट है मान लो ये, और ये प्रिंट है, इसको इसके ऊपर रख दिया, फिर सीट इसको सिलिकॉन सीट पर रख दिया, सिलिकॉन सीट है आपकी। अब ये क्या करते हैं, उसको फिर हीटेड फॉर अराउंड 5 मिनट यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लैम्प। जब ये इसको हीट करेंगे बटर पेपर पे, तो ये सिग्नेचर आपके इसके ऊपर आ जाएंगे, जो आपके क्या नाम है सिलिकॉन का थंब जो यूज़ करा। अब ये उसको यूज़ करेंगे आपका ऑथेंटिकेशन कराने के लिए बायोमेट्रिक। अब कैसे वो मैं दिखाऊंगा अभी करके ना, आपको दिखाऊंगा अभी, डोंट वेरी। द स्कैमर्स देन यूज़ ऐप लाइक स्पाइस मनी, ठीक है, जहाँ पे आप फिंगरप्रिंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हो, ईजी पे एंड अदर विच प्रोवाइड आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यानी कि आधार कार्ड नंबर डालो और पैसा निकल जाएगा खाते से, सर्विसेज एंड ऑल्सो विड्रॉ मनी फ्रॉम माइक्रो ATMs। माइक्रो ATMs क्या होते हैं सर, ये जो आपके POS डिवाइस होती है ना, इन्हीं को माइक्रो ATMs कहते हैं, कि हमने यहाँ पे थंब इंप्रेशन के लिए लगाया, आपने अंगूठा लगाया और पैसा निकल गया, ये सारी चीज़ होंगी। अब यहाँ आप देखोगे पूरे प्रोसेस में उसने किस तरीके से बटर पेपर का यूज़ करा, सिलिकॉन का यूज़ करा, जो ईजिली डेंटिस्ट या मेडिकल शॉप पर मिल जाता है, जो खासकर डेंटिस्ट यूज़ करते हैं इस टाइप की सिलिकॉन डिवाइसेस का, सिलिकॉन मटेरियल का, उसको यूज़ करा, और कैसे इस बंदे ने किसी के फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेट कर लिया उस डिवाइस से। अब आप यहाँ देखो, बड़ा सिंपल सा तरीका है। अब आप यहाँ देखोगे, इसने सिंपल है, ये सिलिकॉन है ये, ठीक है, इसके ऊपर ये रखा और अपना उंगली लगा दी, और ये देखो टेस्ट हो गया 001 और ये सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया, यानी कि ये डिवाइस अनलॉक हो चुकी है और इससे ये जो है पैसे वगैरह कुछ भी विड्रॉ कर सकता है सिंपली। इस भाई की उंगली नहीं है, वो डिवाइस यूज़ हो रही है। प्लेस इट अगेन, भाई की अपनी उंगली से नहीं हो रहा, वो जो अभी भाई ने पेपर लगाया था ना, इसने ये देखो, आप दोबारा देखो, ये जो इसने लगा रखा है ये पेपर, इसकी मदद से ये वेरीफाई करवा रहा है। अभी इसने सिर्फ इस पर प्रेशर डालने के लिए दबाया, एक्चुअल में भाई की फिंगरप्रिंट नहीं गई, इस पेपर पे जो फिंगरप्रिंट थे उनको यूज़ करके ये एक्सेस हुआ। और स्कैमर सेम तरीका यूज़ करते हैं आपके बैंक अकाउंट को खाली करने में। अब आपके मन में और भी क्वेश्चन होंगे कि भाई ये सब सीखते कहाँ से हैं। अब कहने को मैं आपको पूरा तरीका पेपर, बटर पेपर ला के, अल्ट्रावायलेट लाइट ला के यहाँ करके दिखा सकता हूँ कि कैसे ये पूरा प्रोसेस होगा। लेकिन उसी न्यूज़पेपर में एक और लाइन लिखी थी कमिश्नर सर ने कि यूट्यूब वीडियोज़ इवन गाइड देम इन लर्निंग हाउ टू कमिट दीज ऑफेंसेस। भाई व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मानता हूँ, देखो ये जेन्युइन बात है कि व्यूज़ तो चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इलीगल चीज़ों को आप प्रमोट कर दो। ये कह के कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, अरे कद्दू एजुकेशनल पर्पज पहन छो, तुम लोगों को सिखा रहे हो स्कैम करना। उसके बाद आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम AEPS फ्रॉड इज चैलेंजिंग एंड
इन्वेस्टिगेशंस आर टाइम टेकिंग। अब टाइम क्यों लग जाता है? आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ, पैसा डिजिटल गया, क्यों नहीं पकड़ा पुलिस ने उसको? तो उसका रीज़न है सर, पहली बात तो हमारे यहाँ अभी सरकार ने I4S करके एक सिस्टम या कुछ ऐसा ही लॉन्च तो कराया, अगली वीडियो में मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, जो कोऑर्डिनेट करता है बैंकिंग, पुलिस और साइबर क्राइम के बीच में, ठीक है। लेकिन ये इतना इफिशियंसली काम नहीं करता, क्योंकि बैंक वाले सबसे सुस्त लोग होते हैं, जो रिप्लाई करने में दो दो हफ्ते लगा देते हैं, सीरियसली मैं बता रहा हूँ आपको। फिर पुलिस और फिर मतलब मैं किस किस के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, सॉरी गलती मेरी है। पर इन्वेस्टिगेशन में टाइम क्यों लगता है? ओवर एक्सेस इज लिमिटेड टू द एजेंट आईडी, जो एजेंट की आईडी से पेमेंट हुई पहले इनके पास, उनको उसकी डिटेल लेनी पड़ेगी। वी डोंट गेट द सस्पेक्ट बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जो सस्पेक्ट है उनकी डिटेल नहीं मिलती, पहले इस एजेंट की डिटेल लो, फिर उस बैंक अकाउंट की डिटेल लो, उस प्रोसेस में टाइम चला जाता है। वी यूज द एजेंट आईडी टू ट्रेस द लिंक्ड बैंक अकाउंट, मैंने कहा जैसा एजेंट की आईडी से, फिर ये देखते हैं कि बैंक अकाउंट किससे लिंक है ये आईडी। सेम टाइम द स्टॉलन फंड आर ट्रांसफर टू द डिजिटल वॉलेट, अब पहले डिजिटल वॉलेट जैसे पेटीएम वगैरह हो गया, पहले पेटीएम पे जाओ, फिर पेटीएम बोलेगा कि भैया ये इस बैंक अकाउंट से लिंक है, फिर बैंक जाओ, फिर बैंक से केवाईसी मिलेगी, और बाद में पता चलेगा वो केवाईसी बैंक अकाउंट पता नहीं कैसे खुलते हैं, भाई मेरा खाता बंद कर दिया बैंक ने मेरे, ये कह के कि मेरा केवाईसी डन नहीं है, मुझे बैंक बुलाया गया और बोला कि पूरे देश में केवाईसी कंपलसरी है, मतलब 3 साल पहले की बातें हैं, 4 साल। अब ये बताओ इन चूतियों के खाते कैसे खुल जाते हैं भाई, मतलब बैंक वाले इन्वॉल्व हैं क्या इन चीज़ों में जो फेक अकाउंट ऐसे खुल रहे हैं? और क्योंकि देखो एक होता है अकाउंट सेल करना, जिसमें जो लोग हैं लालच में बेचते हैं, लेकिन एक ऐसा अकाउंट जिसका सारा डेटा ही गलत है, वो ओपन कैसे हो गया सर? उसकी आधार कार्ड डिटेल तक गलत है। द सीनियर ऑफिसर एंड एक्सपर्ट इन साइबर क्राइम रिकमेंडेड दैट द बायोमेट्रिक बी लॉग्ड ऑन द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेबसाइट प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूज। देखो पहली बात तो ये एक्सपर्ट है इन्होंने कहा, लेकिन ये बात मैंने आज से 2 साल पहले अपने यूट्यूब चैनल पे 1.5 साल पहले प्रेडिक्ट करी थी कि अपने आधार कार्ड के जो बायोमेट्रिक्स हैं उनको लॉक रखो, और किसी भी केस में जब तक वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी ना हो उनको अनलॉक मत करो। ये एक तरीका है जिससे स्कैमर आपके अकाउंट से पेमेंट विड्रॉ नहीं कर सकते और आपके बायोमेट्रिक डेटा को वेरिफिकेशन पर्पस से यूज़ नहीं किया जा सकता। अब इसको लॉक कैसे करना है आपको नहीं पता तो कमेंट करना, मैं एक वीडियो उस पर बना दूंगा कि किस तरीके से बायोमेट्रिक डेटा को लॉक करते हैं अपने और अनलॉक करते हैं, ताकि आप और आपका परिवार ऐसे स्कैम से सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा कुछ केसेस और भी बता देते हैं, मैं बता देता हूँ, मैं बड़े फेमस यूट्यूबर के, अ प्रोमिनेंट केस इन्वॉल्व्स द मदर ऑफ अ वेल नोन यूट्यूबर पुष्पेंद्र सिंह, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। मनी वाज विदड्रॉन फ्रॉम हर बैंक अकाउंट विदाउट द नीड फॉर एनी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब जो हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चिल्लाते हैं ना, उसको बाईपास करने का तरीका ढूंढ लिया इन लोगों ने। इक्वली कंसर्निंग द बैंक फेल्ड टू डिस्पैच एनी अलर्ट मैसेज, और इनको बैंक की तरफ से कोई अलर्ट मैसेज भी नहीं आएगी, इनके खाते से पैसा निकल रहा है भाई धड़ल्ले से, लिविंग द फैमिली इन द डार्क अबाउट द फ्रॉडेंट एक्टिविटी अंटिल दे नोटिस इट वाइल अपडेटिंग द पासबुक, जब ये पासबुक अपडेट कराने गए भाई तब इन्हें पता चला कि इनके बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं। दिस इंट्रिकेट स्कैम वाज एग्जीक्यूटेड यूजिंग आधार लिंक्ड फिंगरप्रिंट, अब सोचो इनकी मदर के फिंगरप्रिंट कैसे स्कैमर के पास पहुंच गए। तो इंटरनेट की इस दुनिया में जब भी आप कहीं भी अपना डेटा डिटेल या कुछ भी देने जा रहे हो तो केयरफुल रहो, आप किसको दे रहे हो, क्या आप रोड पे जो बैनर लगे होते हैं कि सिम कार्ड ले लो ये ले लो, वहाँ आप अपने फिंगरप्रिंट मत स्कैन करवाओ सर, वो कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है आप वहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट कराओ। मैं एयरटेल की सिम लाया हूँ, उन्होंने बोला बायोमेट्रिक, मैंने कहा भाई देख सिम देनी है दे, वरना मैं नहीं ले रहा, मैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट नहीं कराऊंगा, मुझे ट्रस्ट इशू है इस चीज़ को लेके। और ठीक है उसने मेरा आधार कार्ड से मेरा डेटा लिया और उसमें कर दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब तक किसी पर बायोमेट्रिक नहीं है घंटा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। लेकिन जहाँ आपने बेवकूफ़ी करी, और खासकर गांव वाले लोग, मैं भाई आपको बता रहा हूँ गांवों में मैंने देखा है बहुत सारे NGOs और प्राइवेट कंपनी आती हैं जॉब के नाम पे, स्कीम्स बताती हैं कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है सर, इसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन करना है। बड़े बुजुर्ग सीनियर सबका रजिस्ट्रेशन करने के नाम पे वो क्या करते हैं, उनके बायोमेट्रिक डेटा ले लेते हैं, ठीक है, उनके आधार डिटेल ले लेते हैं, और फिर बाद में इसी डिटेल का यूज़ करके फेक बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं, ठीक है, इसी के लिए लोन के लिए अप्लाई करते हैं उनके नाम पे, हो सकता है इसके लिए और क्या कर सकते हैं सर, उनके खाते से पैसा विड्रॉ कर लेंगे अमाउंट, और उनको कभी पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें, इसलिए ये वीडियो शेयर करनी ज़रूरी है। अब ये एक और वीडियो पता नहीं किस चीज़ की है लगाई होगी यहाँ पे। अब ये देखो, ये इस तरीके से इन्होंने क्या करा, फेविकॉल जैसी चीज़ की मदद से इन लोगों ने, सिंपल है, यूट्यूब पे वीडियो है और ये काम करता है, लिटरली मैंने ट्राई करा, मेरा फ़ोन अनलॉक हो गया सर। तो आप सोचो कि कितना आसान है आज की डेट में किसी के फिंगरप्रिंट कॉपी करने। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जब भी अपनी सिक्योरिटीज़ की बात करती है तो वो हमेशा लिखती है मे ऐसा हो सकता है कि हमारा डेटा ब्रीच हो जाए तो उस केस में हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप जब कोर्ट जाओगे तो कोर्ट आपकी शायद ही सर्वाइव करे, ठीक है। अब यहाँ देख लो, सिंपल है, इसने फिंगरप्रिंट इनेबल करे अपने फ़ोन में
और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ये क्या नाम है उसको लगाएंगे, उंगली पे लगाई, क्या कहते हैं यार इसको, फेविकॉल से जो इन्होंने फिंगरप्रिंट बनाया था डुप्लीकेट, उसको यूज़ करा इन्होंने। जैसे ये देखो, अब ये यहाँ पे लगाएगा, कुछ नहीं है, फेविकॉल है बस, इस पर फिंगरप्रिंट है। और जैसे इसको दबाएगा, ये देखना फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, सिंपल है, फ़ोन अनलॉक हो गया इसकी बदौलत। और एक्चुअल में ये फिंगरप्रिंट थे ही नहीं, ये फिंगरप्रिंट थे पर एक्चुअल में कोई हाथ नहीं था। तो मतलब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अपना बेस्ट दिया आपको समझाने के लिए, और कोई मुझे लगता नहीं है पॉसिबल तरीका था मेरे पास जिससे मैं आपको अवेयर कर पाऊँ इस स्कैम और फ्रॉड के बारे में। खैर, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना यार, प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप मुझे सिर्फ इसी तरीके से मदद कर सकते हो ग्रो करने पे और इन स्कैम से ऑनलाइन लड़ने पे, बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल एंड शेयरिंग माई वीडियोज़। आप ये वीडियो गाँव से देख रहे हैं तो प्लीज़ बताइएगा आप कहाँ से देख रहे हैं। आप सभी को मेरा राम राम, जय हिंद, जय श्री राम।